मूवी स्टार्ट होती है एक बहुत ही सुंदर सिटी से, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक मंकी एजेंट किसी चीज का वेट कर रहा था। उसका मिशन था कि किसी एक ब्रीफकेस को लेकर वापस आना। इस मिशन को लीड कर रहा था बिलिश नाम का एक एजेंट, जो कि बहुत ही घमंडी और लापरवाह था। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिशन के होते हुए बीच में टाइगर गैंग के लोग इन पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद ब्रीफकेस को लेकर यहाँ से वह भागने लगते हैं। अब बिलिश भी एक गाड़ी को लेकर उनका पीछा करता है। बहुत ज्यादा तबाही होती है इस ब्रीफकेस को वापस लेने में। आखिरकार बिलिश कामयाब हो जाता है और मंकी एजेंट वह ब्रीफकेस लेकर वापस हेडक्वार्टर पहुंच जाता है। वापस पहुंचने पर कैप्टन बिलिश को बहुत ज्यादा डांटता है कि तुम्हारे तरीके बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम्हारे वजह से बहुत ज्यादा तबाही हुई है पूरी सिटी में। और अब पनिशमेंट के तौर पर उसे एक सीक्रेट बेस पर भेज दिया जाता है, जहाँ पर उसको बताया जाता है कि एक सीक्रेट एरिया को तुम्हें गार्ड करना है। वहाँ पर एक एजेंट भी उसके साथ रहता है। अब जल्दी हेलीकॉप्टर उसे बेस तक पहुँचा देता है, जहाँ पर जाकर बिलिश देखता है कि यहाँ के हालात बहुत ज्यादा खराब है। यहाँ पर हर सामान बिखरा हुआ है, कोई भी सामान सही तरीके से नहीं है। वहाँ पर उसे हेक्टर भी मिलता है, जो कि यहाँ का आईटी मैनेजर था। उसकी बस यही ख्वाहिश थी कि पिज्जा खाना और बहुत सारी मूवी देखना। अब इन दोनों में तो बिल्कुल नहीं बनती है। हम देखते हैं कि सबमरीन के थ्रू यहाँ कुछ लोग बेस पर पहुंच चुके हैं। यह लोग कार्गो को चुराने के लिए यहाँ पर आए थे। यह वही कार्गो जिसे सेफ रखने के लिए कैप्टन ने विलिश को भेजा था। यह लोग बिजी थे कार्गो को चुराने में। दूसरी तरफ हेक्टर और विलिश एक मूवी देख रहे थे और पिज्जा खा रहे थे। तभी विलिश कुछ बुराई कर देता है उस मूवी की, तभी इन दोनों में लड़ाई हो जाती है। साथ ही इनको स्क्रीन पर एक लाइट जलते हुए दिखाई देती है। वहां पर उन्हें दिखाई देता है कि कुछ लोग कार्गो के पास हैं। ये लोग भागते हैं कार्गो को बचाने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चोरों के लीडर को भी नजर आ जाता है कि ये दोनों उनके तरफ आ रहे हैं, जिसके बाद वह कुछ ड्रोन को एक्टिवेट करता ताकि वो जाकर उनको पकड़ लें। अब ये अलग अलग होकर ड्रोन को मारने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हेक्टर एक ड्रोन पर जंप करता है, जिसके बाद वह उसकी प्रोग्रामिंग को चेंज करके अपने कंट्रोल में कर लेता है। अब इसके बाद और भी ड्रोन एक्टिवेट हो जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे कार्गो को चुराते हुए वो बाहर निकलता है। इसके हाथ में एक डायरी थी जो नीचे गिर जाती है। यहाँ पर इससे पहले कि विलिश को रोकता है, यहाँ पर तीसरा चोर आता है और उन दोनों को भगा ले जाता है। एजेंसी पर जाकर ये लोग रिपोर्ट करते हैं कि कार्गो मिसिंग है। अब यहाँ पर कैप्टन बहुत ज्यादा गुस्सा होता है इन लोगों पर। इनको कहता है कि उस कार्गो में रेडियो साइड है, जो कि बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिवेट करता है और बहुत ही कीमती है, और अगर किसी गलत हाथ में लग जाए तो बहुत ज्यादा तबाही कर सकता है। जिसके बाद वह इन दोनों को सस्पेंड करता है, जिस पर विलिश उसे यह डायरी निकाल कर दिखाता है कि यह डायरी मुझे मिल चुकी है और मैं किसी तरीके से उन्हें ढूंढ लूंगा। अब यहाँ पर इन्हें कैप्टन टाइम देता है कि जल्द से जल्द वह उसे खोज निकालें, वरना इन दोनों की खैर नहीं। उस डायरी के ऊपर हॉस्पिटल का नाम लिखा हुआ था और ये दोनों नर्स गेटअप में उस हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ पर विलिश अंदर अकेले जाना चाहता है, जिस वजह से वह हेक्टर को बेहोश कर देता है और उसे वहीं छोड़कर अंदर चला जाता है। यहीं पर यह मूवी खत्म होती है।